Hey everyone, welcome to Shamsa. Yes, I am Shivangi Sharma, and today I'm with history. We are starting the history session from today. So this is chapter 1 of class 6 in CERT, which is introduction, what, where, how and when. Okay, this is the basic introduction of our first chapter, as we are going to start history from today. Okay, so what, where, how and when, matlab kya, kidhar, कैसे और कब. ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन रशीदा का. रशीदा के पास एक क्वेश्चन है. रशीदा बोलती है, ठीक है, रशीदा और न्यूज़पेपर पढ़ रही है. सडनली उसकी नज़र जाती है एक छोटी सी हेडलाइन में जो बोलता है 100 साल पहले. तो अब वो सोचती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ. तो वही हम आज इस चैप्टर के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं और रशीदा के क्वेश्चन में भी आंसर देने वाले हैं. ठीक है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. हम लिसन सुन, सपोज कल आप रेडियो सुन रहे थे, टीवी देख रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे पिछले साल. आस्क समबडी हू रिमेंबर्स, ठीक है, जिसको याद है उसको पूछो. पर लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले वो क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो किसको याद है, किसी को भी नहीं. बट कैसे हमें पता है, वही हम पढ़ते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे. सो वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हमें क्या चीज़ पता है. देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाया करते थे, लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे और कैसे हाउसेज पे वो रहते थे. हम ये भी देखने वाले हैं कि लोग अपने लाइव्स के लिए क्या करते थे, जिंदा रहने के लिए क्या करते थे. हंटिंग करते थे, कुछ हंटर बने, कुछ हर्डर बने, कुछ फार्मर बने, रूरल, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्टमैन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. ये सारी चीज़ें, इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है ना. उसके अलावा बच्चे क्या पढ़ते थे, क्या स्टोरी सुनते थे, ये सब कुछ तो हम अभी देखते आ रहे हैं ना कि ये सब कुछ हो रहा है. बट शुरू में कैसी चीज़ें थी, जब हम हमारा जो लॉन्ग लॉन्ग अगर जो हमारा पास्ट था वो कैसा था. वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे. ठीक है, पहले ये बोलता है फाइंड रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. सो हियर इज़ द मैप 1 एंड वेयर इज़ रिवर नर्मदा. सो हियर इज़ नर्मदा रिवर. ठीक है, सो ये बोलता है कि नर्मदा रिवर के पास लोग, काफ़ी लोग रहा करते थे बिकॉज इट वॉज उसके पास था, नदी के पास था. ठीक है, तो लोग वहाँ पे स्किल्ड गैदर्स थे. ठीक है, जिसका गैदर्स मतलब जो फूड इकट्ठा करते हैं खाने के लिए. ठीक है, फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स से, फॉरेस्ट से. उसके अलावा वो एनिमल की हंटिंग भी करते थे. ठीक है, अब बोलता है ये देखो द सुलेमान और किरथार हिल्स. सुलेमान और किरथार हिल्स को हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है. वेट अ मिनट, हाँ तो यहाँ पे देखो ये है किरथार और सुलेमान हिल्स. सो इधर क्या था, इधर मेंस और वुमेंस दोनों ने ही क्रॉप्स उगाना शुरू की. ठीक है, क्रॉप्स की उगाई शुरू हो गई थी यहाँ तक. कौन कौन सी बेसिकली इधर उगती थी, वीट और बार्ली. ठीक है, कि लगभग ये 8000 साल पहले की बात हो रही है. ठीक है, उसके अलावा लोगों ने एनिमल्स रेयरिंग भी शुरू की थी. ठीक है, जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे शीप, गोट, केटल्स और गांव में रहते थे. अब बोलता है लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंदाज इन सेंट्रल इंडिया. ये रहा हमारा गारो हिल्स और ये रहा हमारा विंदाज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, इधर पर एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था. ठीक है, लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुके थे यहाँ पे. राइस सबसे ज़्यादा, राइस जो है सबसे पहले राइस जो है वो विंध्यास में ग्रो हुआ था. ट्रेस द रिवर इन द सेनेट्स ट्रिब्यूटरीज. इन दस रिवर और ट्रिब्यूटरीज को ढूंढ लेते हैं हम, इंदस रिवर की. सो कहाँ है इंदस रिवर, अच्छा एक मिनट ना. सो हियर, यहाँ है हमारी इंदस रिवर. सो इंदस रिवर, हाँ इंदस रिवर में अराउंड मतलब 4700 ईयर्स अगो लोग नदियों के किनारों में रहा करते थे. ठीक है, उसके बाद लगभग 2500 साल पहले सिटीज डेवलप हुई गंगा के किनारे और मतलब सी कोस्ट के साथ लोगों ने रहना शुरू किया. उसके बाद ये बोलता है लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, सो यहाँ पे है हमारी गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज.
ठीक है। सो एंशियंट टाइम में गंगा के साथ, गंगा को मतलब बेसिकली मगधा के साथ, मगधा रिवर बोला जाता था, विच इज नाउ लिंग इन स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इट रूलर्स, इसके रूलर्स काफी पावरफुल थे और लार्ज किंगडम थे उनके, ठीक है। जो कि मतलब गंगा रिवर के जो भी साउथ में जो भी एरिया आता था, दैट वॉज नोन एज मगधा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े किंगडम थे वहाँ पर, वहाँ के रूलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, ठीक है। वहाँ पे किंगडम सेट हुए, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, ठीक है। अब लोगों ने फाइनली ट्रैवल करना शुरू किया हिल से, हाई माउंटेन्स से, चाहे डेजर्ट हो, रिवर हो, सीज हो, हर चाहे मर्द हो या औरत, सभी ने अपना वो स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। लोग ट्रैवल क्यों किया, ट्रैवल करने का रीज़न क्या था? द बेसिक रीज़न वॉज इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड के सर्च में बेसिकली लोग जाया करते थे, क्योंकि काफ़ी जगह पे नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है। सपोज फ्लड फ्लड आ गया और ड्राउट आ गया, तो भी लोगों को वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी लोग वो करते थे, ठीक है। फाइनली लोगों ने ट्रैवल शुरू किया बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वॉन्ट नई चीज़ डिस्कवर करना, नई एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करना, जिससे आइडिया शेयरिंग भी डिस्कस हुई, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ नाउ डेज, ज़्यादातर लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? उसके बेसिक रीज़न यही होते हैं, ताकि देखो लोग ना काफ़ी का जगहों से ट्रैवल करते हैं। सो इन मूवमेंट्स से क्या क्या चीज़ें होती है, डाट आर कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है। एंड रिच है एक तो हमारी कंट्री, उसके अलावा जो कार्विंग स्टोन्स थे पीपल वो शेयर करते थे, म्यूजिक कंपोज करने के लिए, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसलिए काफ़ी ये बेसिकली जो चेंजेस थे वो आए। नेम्स ऑफ लैंड, लैंड के हमारी जो लैंड थी उनका क्या नाम था? देखो ईरान और ग्रीक एटलस में ढूंढना है, अपनी एटलस में ढूंढना, ठीक है। देखो टू वर्ड्स वी ऑफ हमारी कंट्री के लिए, हम जो बेसिक दो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है? डेट इज फर्स्ट इंडिया एंड भारत, ठीक है। भारत इज इन द हिंदी और इंग्लिश में आप इंडिया बोलते हो, राइट। तो इंडिया वर्ड जो है एक इंदस से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट में आए लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। एंड वर फैमिलियर विद इंदस से, वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे, इसलिए उन्होंने हम इसलिए वो उनको हिंदोस या इंदोस बोला करते थे, ठीक है। और जो भी ईस्ट रिवर का जो भी लैंड था, ठीक है, जो भी मतलब किसी रिवर की जो ईस्ट में जो भी लैंड था उसको इंडिया का नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। इंदस रिवर की उसमें क्या नाम दे दिया उन्होंने? इंडिया। उसके अलावा जो नेम है भारत, ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, ठीक है, जो कि संस्कृत में कंपोजिशन है बेसिकली, है ना। सो द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे एंड हु वर मेंशनड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ठीक है। बाद में उसको पहले उन लोगों को भारत बोला, भारता बोला जाता था, फर्दर बाद में उनको हमारी कंट्री को ही भारत का नाम दे दिया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट आर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में कुछ हम पता कैसे करते हैं, हमारे पास्ट में क्या क्या हो रहा है? देखो काफ़ी सारे तरीके हैं ये चीज़ पता करने के, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, डैट इज़ रीडिंग बुक्स, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी, जिनको हम मैनुस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे वर रिटन इन बाय हैंड, वो हाथों से लिखा गया था, ठीक है। वो जो कि मनु, लैटिन वर्ड मनु से अराइव हुआ है, विच मीन्स हैंड, ठीक है। ये बेसिकली पाम लीफ में लिखा जाता था, या फिर बेसिकली एक ट्री का एक बार्क प्रिपेयर किया जाता है ताकि उस पर लिखा जाए, जिसको हम बिर्च बोलते हैं, बिर्च बोलते हैं, ठीक है। डैट इज़ ग्रोन इन हिमालयास, हियर इज़ वन सैम्पल ऑफ द सेम, देख सकते हो आप, ठीक। तो जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो काफ़ी साल पहले बनाए गए थे, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी कीड़ों ने खाए, बट काफ़ी सर्वाइव भी किए, ठीक है।
इस बुक में ये जो भी बुक्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ और बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, उसके अलावा किंग्स कैसे रहते थे, मेडिसिन, साइंस, ये सब कुछ हमारी पुराने वेदों में लिखा गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे एपिक्स है, कुछ ऐसी पोइम्स है, कुछ ऐसी स्टोरीज है जो उसमें लिखा गया था, रिटन इन संस्कृत, और कुछ से प्राकृत में, ठीक है, लैंग्वेजेस बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज में वो हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो लिखे गए हैं, डैट इज संस्कृत, सेकेंड इज प्राकृत, प्राकृत इज समथिंग, प्राकृत इज नथिंग बट द लैंग्वेज यूज बाय द ऑर्डिनरी पीपल्स, एंड तमिल। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी स्टडी इन स्क्रिप्ट, इन स्क्रिप्ट मतलब जो कि किसी भी रिलेटिवली एक हार्ड सरफेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन और मेटल्स, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जब बार्क ट्री के बार्क के अलावा जिसमें लिखा जाता था, डैट वॉज एनी काइंड ऑफ स्टोन और मेटल, एज यू कैन सी हेयर इट इज काइंड ऑफ स्टोन और अ मेटल, ठीक है। देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एल्स, जहाँ पे मतलब लोग रिकॉर्ड किया करते थे, लिखा करते थे कि कैसे किंग रहा करते थे, कैसे जीतते थे, उसके अलावा लोग जो बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में लिखा जाता था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हैं, ये कौन स्टडी करता है, जो चीज़ें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं पास्ट से, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करते हैं, वो टूल्स ढूंढते हैं, वेपन, पोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में। उसके अलावा जो भी इनके अलावा जो भी ये बेसिकली चीज़ें थी ना, ये ज़्यादातर किन चीज़ों की बनी बनती थी, द मटीरियल बिहाइंड इट वाज स्टोन, कुछ हड्डियों की होती थी, डैट इज़ बेक्ड क्ले और मेटल्स। ओके, हेयर इज एन एग्जाम्पल, सी लुक एट दिस पॉट एंड दीज मेटल्स, ठीक है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने एनिमल, बर्ड्स और फिश की हड्डियाँ भी देखी, उनको पढ़ा किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग पहले के टाइम पे क्या खाया करते थे, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही रेयरली सर्वाइव करते हैं इतने टाइम तक, ठीक है। अगर जो भी ग्रेन के सीड्स है या लकड़ी के पीस है वो जल जाते हैं तो यू नो दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, ओके। सो उसके अलावा हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ठीक है, जो बेसिकली पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली जो भी सोर्सेस होते हैं ना, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट और आर्कियोलॉजी, ये सब कुछ ही बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो कि हमें बताते हैं सारे क्लूज को स्टडी करके, हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। हमारा एक अतीत है, या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चैप्टर में इट इज़ रिटन आर पास्ट इन द बुक, सो एस लिखा गया है, इट इज़ इन द प्लूरल फॉर्म। अब देखो, किसी पर्सन के लिए पास्ट अलग होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, बिकॉज देखो जो भी हर्ड और फार्मर्स थे वो किंग्स और क्वीन से बहुत ही अलग रहे होंगे, राइट। जो भी क्राफ्टमैन थे, जो नॉर्मल मर्चेंट्स थे, वो बड़े बड़े लोगों से अलग अलग उनका रहन सहन होगा, ठीक है। सो आज के टाइम पे भी पीपल हमारी कंट्री में जो लोग फॉलो करते हैं कस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स फॉलो होते हैं, डेट इज़ वाई इट इज़ रिटर्न आर पास्ट, बिकॉज अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बिसाइड्स एक और डिफरेंस है कि जो किंग है वो बैटल्स जीतते थे और वो रिकॉर्ड, जो भी हमारे वो रिकॉर्ड बना के रखते थे अपनी विक्ट्रीज का, ठीक है, कि हमने ये वाली वो जीती है, सो दैट इज़ रिटन इन एनी काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। बट जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो हंटर्स थे, फिशर्स थे, फोक करते थे, मतलब गैदर फार्मर वगैरह थे नॉर्मल, ये लोग थोड़ी ना अपने लिए ये सब कुछ लिखते थे कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है उन लोगों के बारे में भी स्टडी करने का जो कि अननोन रिमेन हो गए, ठीक है, जिनके बारे में इतना कुछ पता नहीं है। अपडेट्स, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन करके आता है, राइट। सो व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स को लिखने का तरीका, या फिर मतलब जो हम चीज़ें लिखते हैं एज अ डेट, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक हो। अगर आपसे पूछता है कि डेट क्या है तो आप बोलोगे
डे मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग समथिंग, राइट? तो 2000 ये कब से काउंट किया जा रहा है कि सपोज दिस इज गोइंग ऑन 2023, तो ये 2023 चल रहा है, ये कैसे, कौन से, कब से शुरू हुआ? तो दैट 2000 इज स्टार्टेड फ्रॉम द डेट व्हेन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से दिस काउंट ये शुरू हुआ है, ठीक है? हु वाज जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है? तो 2000 का मींस है, 2023 मींस दैट इट हैज बीन 2023 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है? उसके अलावा क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो टाइम था, जब क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था, उसके पहले का जो टाइम था, दैट इज रिटन विद द लेटर्स बी सी विच इज मैंशनड एज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? सो इन दिस बुक विल रेफर्स टू द डेट्स गोइंग फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 और आर स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है? So here is it for the video and the chapter as well. I hope you like it. So yes, the next chapter is gonna be the sorry, the next video is gonna be the next chapter of this class only. So yes, thank you very much.